सबसे पहली बात यह है कि ये जो एजेंट दुबई में बैठा है, अगर वो भारत का शहरी है तो हम आराम से, क्योंकि दुबई यूएई भारत का एक हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, हम इसको वहाँ से बुला सकते हैं। और ये जो सुफियान और पूजा हैं, इनको भी अगर ये भारत में है तो इनको फौरन इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। और दूसरा है कि जो रशिया में जो ये भारत के एजेंट बैठे हैं, रमेश और मोइन, इनको भी हम रशिया की गवर्नमेंट से बात करके इनको एक्सट्राडाइट करें। ये भारत के नौजवान, बेरोजगार नौजवानों का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, और यकीनन नौजवान चाहता है कि उसको नौकरी मिले, तो इन लोगों को झांसा देकर, धोखा देकर और जंग के मैदान में लाकर छोड़ दिया जा रहा है। ये सिविलियन लोग हैं, ये कभी जिंदगी में ना कभी बंदूक उठाए, ना इनको गोली मालूम, ना इनको इस तरह के माहौल को उन्होंने कभी देखा है। तो ये एक बहुत बड़ा रैकेट है जो हमारे भारत के नौजवानों को एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है उनका, और उम्मीद करते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन पर सख्ती से एक्शन लेगी। सर, अभी आप बिहार के दौरे से आए, सीमांचल से आए सर, अभी वहाँ पर तेजस्वी यादव की यात्रा शुरू हो गई है, असेंबली में भी असेंबली चल रही है और कई सारे मुद्दे हैं आपके कार्यकर्ता की भी वहाँ पर, आपके नेता की इनफैक्ट सत्या हुई है, बिहार के पॉलिटिकल सिचुएशन को आप कैसे असेस करते हैं? देखिए, हम जब बिहार गए, सीमांचल के इलाके में गए, हमारी वहाँ पर बहुत से लोगों से मुलाकात हुई, पार्टी के लोगों से, आम आदमी से। और सीमांचल का इलाका जो है वो तब एक बहुत बड़ा एक रूरल इलाका है, तो वहाँ पर हमने देखा कि वहाँ की जनता में बड़ा गम और गुस्सा है। और गम और गुस्सा इस बात से है कि उनको धोखा देकर वोट लिया गया कि आरजेडी और गठबंधन में जितने पार्टियाँ हैं बीजेपी को रोकेंगे। और उसके बाद आप देखते हैं कि कैसे दोबारा बीजेपी सत्ता में आ गई, और नीतीश कुमार ने अपनी आदत और अपनी फितरत के मुताबिक उन्होंने पलटी मारी और बीजेपी के साथ चले गए। तो अगर आज बिहार में बीजेपी सत्ता में है, आरएसएस को इख्तदार मिल गया है, तो इसकी जिम्मेदार ना सिर्फ नीतीश कुमार है बल्कि नरेंद्र मोदी भी हैं, और साथ ही साथ तेजस्वी यादव हैं, क्योंकि वहाँ की जनता को उन्होंने कहकर वोट लिया था कि बीजेपी को रोकेंगे। फिर ये लोग साथ गए नीतीश कुमार के, तेजस्वी और गठबंधन के पार्टीज के, हम बीजेपी को सत्ता से रोकेंगे। तो ये तमाम चीज़ें जो हो रही हैं, लोगों का एक मजाक बना दिया जा रहा है, लोगों से वोट हासिल करते हैं कि हम बीजेपी आरएसएस को रोकेंगे बिहार में, और फिर उस वोट को ले जाकर बीजेपी के झोली में रख दिया जाता है। तो एक बहुत बड़ा गम और गुस्सा है। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि एमआईएम के जो बहुत बड़े नेताओं का वहाँ पर हत्या की गई है। आप देखिए कि गोपालगंज में असलम साहब को गोली मार दी गई, और अजीबोगरीब वहाँ का एसपी है। अरे भाई, क्यों क्यों हुआ, क्या हुआ, असली खाती को पकड़ नहीं रहे नीतीश कुमार की सरकार। जिस दिन वो मुख्यमंत्री बने उसी सौगात दे दिया आपने, हमारे एक बहुत बड़े नेता का मर्डर हो गया सिवान में, हमारे एक बहुत बड़े नेता का मर्डर हो गया। ये डेलिबरेट मर्डर हो रहा है वहां पर, और वहां की सरकार बिल्कुल एक तमाशा ही बनी बैठी हुई है, ना कोई एक्शन ले रहे, ना कुछ हरकत कर रहे हैं। इतना करप्शन उरूज पर है वहां पर, चाहे वो तेजस्वी थे या आरजेडी थे, अभी भी है, करप्शन उरूज पर है, कोई पूछने वाला नहीं है, जो मनमानी चल रही है वहां पर। अखिलेश यादव ने फाइनली आगे पीछे होने के बाद ये अनाउंस हो गया कि कांग्रेस के साथ गठबंधन होगी। आप यूपी में पिछला इलेक्शन लड़े थे, एक बार भी जाएंगे तो इस गठबंधन पे, चाहे बिहार हो चाहे यूपी हो या फिर महाराष्ट्र में गठबंधन की बात हो, इस पूरे गठबंधन को कैसे देख रहे हैं? क्या बीजेपी को रोकने के लिए सक्षम होंगे? क्या ये इंक्लूसिव है? आपको आपसे कोई चर्चा हो, आपको अगर इन्वाइट मिले तो क्या आप जाएंगे? देखिए, अखिलेश यादव ने 2014 का चुनाव हारा बीजेपी के खिलाफ, 2017 का चुनाव हारा, 2019 का लोकसभा का चुनाव हारा, फिर 2022 का चुनाव हारे। और इन चार चुनावों में, खास तौर से जो पिछला विधानसभा का चुनाव हुआ 2022 का, समाजवादी पार्टी की तारीख में
इनकी हिस्ट्री में इतना मुस्लिम वोट उनको कभी नहीं मिला और उसके बावजूद भी वो बीजेपी को नहीं रोक पाए। तो ये बार बार ये बोलना, खास तौर से अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज से आकर के हमको वोट दे दीजिए, हमको वोट दे दीजिए, ओवैसी को गाली देते हैं, MIM को क्या क्या गालियों से नवाजते हैं, फिर भी बीजेपी को नहीं हरा पाते हैं, इसकी वजह क्या है? मैं तो नहीं हूं उसकी वजह। कितने चुनाव हारेंगे अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी? तो ये गलती उनके पास है। अब फिर कहेंगे कि हम बीजेपी को रोकेंगे, आप तो 4 चुनाव हार चुके हैं, आपके सलीम शेरवानी साहब 5 मर्तबा के MP आपको छोड़ चुके हैं, स्वामी प्रसाद मौर्या जो आपके पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट थे वो आपको छोड़ गए हैं, आपकी अलाई पार्टनर अपना दल की वो आपसे नाराज हैं। तो ये जमीनी हकीकत कुछ और ही बता रही है वहां पर। तो अब देखते हैं, नहीं मालूम हमारी पार्टी कहाँ तक सवाल है। हमारे पार्टी के अध्यक्ष शौकत साहब से हमारी बातचीत चल रही है और वो ये कह रहे हैं कि हमको भी लोकसभा का चुनाव वहाँ पर लड़ना चाहिए। कुछ सीटों, कुछ लोकसभा के पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी की उन्होंने हमसे बात की है, निशानदेही की है। तो हमारी बातचीत चल रही है, अभी बताना बहुत जल्द होगा। वैसे ही महाराष्ट्र में इम्तियाज जलील साहब वहाँ पर और हमारे जो पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं उनसे भी मेरी बातचीत हुई। उनका भी ये बोलना है कि हमको ये सोचना है कि हम महाराष्ट्र में औरंगाबाद से हटकर भी और भी मुख्तलिफ 4-5 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर अपने कैंडिडेट को खड़ा करना चाहिए। तो इस बारे में भी वहाँ पर बातचीत चल रही है, अभी बहुत जल्दी होगा इस बारे में कुछ बताना उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बारे में। तो जब वक्त आएगा हमारी पार्टी इसका फैसला लेकर, जो इम्तियाज जलील साहब और शौकत साहब की जो राय होगी उसको हम सामने रखकर एक अच्छा फैसला लेंगे। और हमारी पूरी कोशिश, हमारी कोशिश यही है कि तीसरी मर्तबा भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ना बने। और हम 2014 में भी कोशिश किए, 19 में भी किए और 2024 में भी हम कोशिश करने जा रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि देश की जनता बढ़ती हुई कीमतों को देखेगी, देश की जनता जो बेरोजगारी आम हो चुकी है उसको देखेगी, किसान परेशान है और हमारी डिप्सांग डेमचाक पर 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन की फौज कब्जा करके बैठी है। तो ये बहुत बड़े मुद्दे सामने हैं। और बीजेपी जो पिछले 10 साल में जो पॉलिटिक्स कर रही है वो मेजॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स को उन्होंने फ़रोग दिया है, उसको प्रमोट किया है। और साथ ही साथ बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी ने भारत की पॉलिटिक्स से, भारत की सोशल लाइफ से, भारत की सबसे बड़ी माइनॉरिटी मुसलमान जो 17 करोड़ है, क्रिश्चियन भी उसमें आते हैं, इन दो अहम माइनॉरिटीज़ को और दलितों को, आदिवासियों को उन्होंने पॉलिटिकली सोशली मार्जिनलाइज करके रख दिया है। तो ये भी एक चीज है। सर, एक बात ये है कि बीजेपी जिस तरह से मेजॉरिटी पॉलिटिक्स लेकर आया, अभी इन्होंने लखनऊ में एक नया कैंपेन लॉन्च किया है कि ये लोग दरगाह में जाएंगे और उर्दू में बात करेंगे, कैंपेन करेंगे, ऐसा कुछ एक नया प्रकार। हाँ, आप ना नफरत है ना खाई है, मोदी आपका भाई है। हाँ। हाँ, क्या है, ना नफरत है ना खाई है। अच्छा, मोदी आपका भाई है। तो भाई अगर मोदी भाई है तो बिल्किस बानो उनकी बेटी या बहन नहीं है क्या? बुलाया जाए बिल्किस बानो को, फिर इनमें हिम्मत है कि बिल्किस बानो से आंख में आंख मिलाना छोड़ो, उसके करीब जाएंगे? आपने दिल्ली में 600 साल पुरानी मस्जिद को डिमोलिश कर दिया, आप सुनहरी मस्जिद को डिमोलिश करना चाहते हैं, आप भारत के पूरी मस्जिदों पर आपकी नजरें पड़ी हुई हैं, आपने मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का बजट कम कर दिया, आपने माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के बजट को कम करके उसको 9th क्लास से डिलिबरेटली आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, उससे पहले ताकि और माइनॉरिटी खासतौर से मुसलमानों का ड्रॉप आउट और बढ़ जाए।
मौलाना आज़ाद फेलोशिप को आपने ख़त्म कर दिया ताकि मुसलमानों के बच्चे और बच्चियां फेलोशिप ना कर सके, ये आपका है कारनामा। आप बजट तो अनाउंस करते हैं, उसका कितना खर्च होता बताइए। 2022 का जो बजट है उसमें से 38% भी खर्चा नहीं हुआ, क्या बात कर रहे हैं लोग। आपके पास एक मुस्लिम एमपी नहीं है, एक मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है आपके पास, आए दिन गाली दी जाती है। जहां पर बीजेपी सत्ता में मीरा रोड में बुलडोजरों के जरिए आपने मुसलमानों के कारोबार को डिमोलिश कर दिया, घर को डिमोलिश कर दिया, हल्द्वानी में आपने एक मस्जिद को शहीद कर दिया, ये क्या है? ये तो सब आई वॉश है, ये सब ड्रामा है, ये फसाड है एकदम। तो हेमंत बिस्वा शर्मा कल कुर्ता पहने हुए थे ना, हेमंत बिस्वा शर्मा कुर्ता नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि कुर्ता कौन दिया, कुर्ता नहीं पहनना चाहिए उनको, वो प्याज खाते हैं ना, तो प्याज कौन दिया, कहां से प्याज आई, तो इनको कहना चाहिए। और कहना चाहिए कि भाई आज से मैं और भारत के प्रधानमंत्री कुर्ता नहीं पहनेंगे, क्योंकि कुर्ता आया मुगलों से। अब आप जाकर देश को आप बोलते हैं कि हम क्या बोलते हैं, आगे की सोच रहे हैं, फ्यूचर की सोच रहे हैं, आप 600 साल पुरानी बात करते हैं। अच्छा, फिर ये अकबर का भी नाम लिया उन्होंने, जो कॉन्स्टिट्यूशन की किताब पहली बनाई गई उसमें अकबर की भी फोटो है, क्या करेंगे उसको।